परिवार वाले नाल मिलना है ते उस दे मां प्यो दा आशीर्वाद ले ले। बताइए तो सही, जा कहां रहे हैं? आपके पेरेंट्स से मिले, उनका आशीर्वाद ले। चलो। अब एक मिनट मकान मालकिन जी, मेरे पेरेंट्स वो जय पशुपति नाथ जी नेपाल में काठमांडू में मंदिर है ना, वो वहां दर्शन के लिए गए हैं। वहां से जाएंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीरीज है और वहां से पास में ही है न्यूजीलैंड, वो फिर वहां जाएंगे। वो क्या ना कि, और मामी भी साथ में है, तो क्या ना कि मामी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो अब इतना पैसा खर्च करके गए तो अब डिलीवरी के बाद ही आएंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही आएंगे एयरपोर्ट पे आपको सीधा जाके मिलवा दूंगा मैं। का फोन। हेलो हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं इंदिरा, तुम कैसी हो? क्या बात है, आवाज से परेशान लग रही हो इंदिरा? हाँ भैया, मुझे मुझे प्यार हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हाँ पता नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं भी वही गलती तो नहीं कर रही जो दुनिया की ज्यादातर लड़कियां करती हैं। क्या? मैंने गलत लड़के से प्यार कर लिया भैया। क्या मतलब? हाँ भैया, वो निकम्मा है, गैर जिम्मेदार है और अब भी अनजाना है मेरे लिए। सोचा था कि मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन नहीं, प्यार तो कर बैठी मैं पर शादी करके उसे अपना हमसफर नहीं बना सकती। बाकी मर्दों की तरह वो भी मेरी जिंदगी में एक बोझ बन जाएगा भैया, जैसे मेरी जिंदगी में आए दूसरे मर्द बनते आए हैं अब तक। भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी एक अनजाने से अपनी जिंदगी बांटकर। नहीं इंदिरा, अपने आप पर शक मत करो, तुमने जो किया है सही होगा तभी किया है, वरना क्यों करती? और वो किरायेदार जो है उसको थोड़ा सा समय तो दो, वो समझ जाएगा। भैया मैंने आपसे कब कहा कि मैं किरायेदार से प्यार करती हूँ? आपको कैसे पता? हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ इंदिरा, अरे मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा भाई विदित। किसे फोन किया था तुमने? पर आपको मैंने कभी नहीं बताया कि मैं किरायेदार से प्यार करती हूं, तो आपको कैसे पता? तेरा बड़ा भाई हूँ इंदिरा मैं, और तेरी आवाज में थोड़ा सा भी फर्क होता है ना तो मुझे फौरन पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो क्या? अरे पिछली बार जब हमारी फोन पर बात हुई थी तो तुमने तो बताया था किरायेदार के बारे में, उसी की बात कर रही थी, तब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा इंदिरा। लेकिन लगता है कि तुम्हें समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया। वो कहते हैं ना, ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, है ना? बोल बोल।
अरे बोलना, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? शर्मा गई हाँ? और ये क्या, किसी से इतना प्यार कर लिया है कि अपने बड़े भाई पर ही शक करने लगी? वेरी बैड इंदिरा, वेरी बैड। I'm sorry भैया, आपने सच में मुझे चौंका ही दिया था। नहीं नहीं ठीक है, जा तुझे माफ किया मैंने। और सुन, वो किरायेदार को मौका दे और उसको माफ कर दे। फिलहाल हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, तभी तो हमारे यहाँ किराए पे रह रहा है वो। हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं उससे बात करती हूँ ना, उसकी आंखें कुछ और बोलती और वो कहता कुछ और है। भैया मैं बस यही जानती हूँ कि प्यार में कुछ भी नहीं छुपाया जाता। इंदिरा बाद में बात करता हूँ, जल्दी मैं थोड़ा काम के लिए जाना था। ठीक है ठीक है भैया। अच्छा भैया सुनो, आप आ रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं बस आने की तैयारी शुरू कर दी है। बाय। क्या जब देखो तब आप मेरे कमरे में घुसे चले आते हैं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे अभी प्यार का इजहार किया और अभी लड़ने को तैयार हो गई, क्या करूं मैं आपका हिट? मकान मालकिन जी सुनिए। सुनाइए। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं और जो भी सुनना सुनाना है वो अपने पेरेंट्स से मिलवाने के बाद सुनाइएगा। तो मकान मालकिन जी आप मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रही हैं? मेरे पेरेंट्स मुझसे नफरत करते हैं, अब उन्हें मेरा चेहरा ही पसंद नहीं है तो मेरी पसंद क्या खाक पसंद आएगी? कोई फायदा नहीं है। और आप क्या करेंगे उनसे मिलकर बताइए ना? समझ में आया या नहीं? वो तो सुना ही होगा आपने, मियां मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? महसूस कीजिए, सिर्फ महसूस। मौका भी है और दस्तूर भी। किस कर दीजिए ना, कोई भी नहीं है। बकवास कर रहे आप, चाटा चाहिए क्या आपको? आपकी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? पता नहीं क्या अनशन पके जा रहे हैं। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है श्रीमती जी। आया मजा श्रीमती जी का? आउट, निकलिए यहां से।
क्या हो गया आपको? क्या है? वो ये जो बकवास है किसके साथ करूं? नहीं, आपने मना कर दिया, अब तो दूसरी गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी ना। क्या आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। जब तक आप अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवा नहीं देते तब तक मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। और हाँ, ये मत सोच लीजिएगा कि हंसी मजाक के दौरान मैं इस टॉपिक को भूल ही जाऊंगी। भूल तो आप गई हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है अंकल जी को देखने। मैं नहीं भूली, आप भूल रहे हैं कि जब तक आईसीयू में शर्मा जी है तब तक विजिटर्स नॉट अलाउड। अब आप तक खड़े हैं यहां पे, चलिए निकलिए, निकलिए मेरे रूम से, चलिए जाइए, निकलिए आउट। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगी ना, आपके हिटलर बनने का इलाज है मेरे पास, ये लीजिए। कर क्या रहे आप? आपको मेरी मांग पूरी करनी पड़ेगी। मतलब? मतलब क्या, इस टाइम में अनशन पर तो बैठ नहीं सकता, तो इस कड़ाके की सर्दी में अपनी कुल्फी जमवाऊंगा। अगर मेरे प्यार में ताकत हुई ना मकान मालकिन जी, तो आप पिघल कर बाहर आएंगी, देख लेना। अच्छा ये लीजिए, ये ठीक है, रहिए बाहर, और वो भी मेरी बला से। अरे मकान मालिक जी कपड़े, अरे बहुत सर्दी है बाहर। ज़्यादा पसंद मत कीजिए, वरना मेरी चप्पल को आपके गाल पसंद आने लगेंगे। समझिए? ये क्या हो रहा है मुझे? कैसे? क्यों? जितनी बार वो मुझे नकारती है, उतनी बार दिल में हासिल करने की चाह और दुगनी बढ़ जाती है। इंदिरा शर्मा और हिटलर, तुम्हें पाना अब तुम्हारे मकान से ज्यादा जरूरी होते जा रहा है मेरे लिए। हिटलर और मेरे प्यारे भाई रिकी दीवान, तुझे तो रास्ते से हटना ही होगा, वरना मजबूरन मुझे तुझे हटाना होगा, क्योंकि इंदिरा शर्मा और हिटलर मेरी है। और उसे तो मैं किसी भी कीमत पर अपना बना कर ही रहूंगा। वेट एंड वॉच। जो बोलना है जल्दी बोलिए, नहीं तो मैं फोन रख रही हूं। फालतू मैं भी नहीं हूं, और जबरदस्ती बात करके एहसान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहती थी ना, ठीक है शाम को मिल लेते हैं आज। क्या? Ah!
किरायेदार जी, अपने माता पिता से मुझे मिलवाइए वरना मेरी जिंदगी से भाग जाइए। ले बेटा ऋषि, अभी तो ठंड ने मारा है, फिर ये हिटलर मारेगी, ये मानने वाली नहीं है। हेलो पिंकी, अच्छा अभी लंच टाइम हुआ है तो मैं हॉस्पिटल होकर आ रही हूँ, एक घंटे में वापस आ जाऊंगी। वाउचर्स रेडी रखना, मैं आकर चेक कर लूंगी, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने लंच किया है या नहीं किया है, ये काम तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। चलो बाय। बहुत लक्की हैं आप जो सही वक्त पे आ गई, बस आखिरी स्टॉक बचाइए, ये ट्रक वालों की स्ट्राइक की वजह से तो माल ही नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, ये लीजिए फिर। हेलो। हाँ बोले। अच्छी देख रही हैं, ठंड की वजह से क्या हाल हो गया है, एक्चुअली आपकी वजह से क्या हाल हो गया मेरा। देखिए बकवास बंद कीजिए, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलिए नहीं तो मैं फोन रख रही हूँ। फालतू मैं भी नहीं हूँ, और जबरदस्ती बात करके एहसान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहती थी ना, ठीक है शाम को मिल लेते हैं आज। क्या अचानक कैसे मान गए वो? अचानक क्या, प्यार किया मैंने आपसे मकान मालकिन जी, और किसी अपने के प्यार की भूख और प्यास मुझे है, किस्मत खराब मैं लिखवा कर लाया हूँ। जिसको तन मन धन सबसे चाहता हूँ वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। अब क्या करेगा मेरे जैसा बेचारा असहाय गरीब लड़का, आपकी मोहब्बत में दबेगा नहीं तो और क्या करेगा। ठीक है आप उन्हें शाम को घर ले आइए। घर? घर क्यों, बाहर मिलते हैं कहीं पर? जी नहीं, हम घर पर ही मिलेंगे, आखिर वो भी तो मेरे परिवार को आकर देखे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मैं किसी से कुछ नहीं छुपाना चाहती। अब वो मकान मालकिन जी, मेरे पेरेंट्स आपके घर वालों की तरह ही हैं, जेल नहीं पाएंगे आप उनको, तो अच्छा तो यही है कि उनको घर में इन्वॉल्व नहीं करते हैं और घर से दूर कहीं मिलते हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने परिवार से डील कर करके अजीबो गरीब प्राणियों से मिलने की काफी आदी हो चुकी, मैं किसी से कुछ छुपाना भी नहीं चाहती, इसलिए आप उन्हें घर ही ले आइए। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। ओके अब और नहीं छिपा सकता अपने पेरेंट्स को। बेटा ऋषि, ऋषि या फिर रिकी, कुछ भी हो जाए मकान मालकिन जी से पेरेंट्स को मिलवाना ही पड़ेगा, वरना तू गया। Thank you.
Yeah.